जौनपुर के अग्रौरा गांव में मातम है, आंसुओं के साथ सवालों का सैलाब है। मंगेश की डेड बॉडी पहुंचते ही मानो हाहाकार मच गया, चीख पुकार मच गई। मंगेश के घर के बाहर लोगों का हुजूम जुट गया। अरे कहीं भी चुप हो जा, बताओ भाई आना, आज क्यों कर रहे थे, आज जाते। जिधर देखो लोग ही लोग और पुलिस वाले। देखिए मंजर, देखिए मंगेश के घर के बाहर का, अग्रौरा गांव का। रोते चीखते मंगेश की बहन बदहवास सी हो जाती है, तो पड़ोस वाली काकी पकड़कर बिटिया को समझाती है। अरे पढ़ा निकला देता, अरे भैया, अरे भैया। वही मंगेश के घर के बाहर सियासी मजमा भी लग रहा है। नेता लोग पहुंच रहे हैं, सपा का डेलीगेशन पहुंचा, अखिलेश यादव की ओर से विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव पहुंचे और दाग दिए सवाल पर सवाल। नहीं, हम लोग बराबर सवाल उठा रहे हैं कि जाति के नाम पर जो है, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, दो को टारगेट, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो व्यक्ति, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है और उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसा क्यों सर? अब इनके तो वो पूछिए उनसे, हमसे क्या पूछ रहे हैं, उनसे तो पूछिए जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या इस प्रदेश में या इस देश में यादव या मुसलमान ये बाहरी है, कहीं से बाहर से आया है, ये आयातित आयातित है, दलित पिछड़ा, परिजन के साथ दलित पिछड़ा। मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जौनपुर के अग्रौरा गांव में उनके निवास स्थान पर पहुंचा हुआ था। यहां पर मंगेश यादव का शव रखा हुआ है, परिजनों में उसको लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। जो दावा है परिजनों का वो ये है कि सोमवार की देर रात लगभग 2 बजे मंगेश को पूछताछ के लिए पुलिस वाले उनके घर से लेकर के जाते हैं, और जो उस वक्त परिवार में उनकी माँ, उनकी छोटी बहन मौजूद होती हैं। पुलिस ये कहती है कि मंगेश को पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद गुरुवार को उनके परिजनों को ये सूचना दी जाती है कि मंगेश का शव जो है वो पोस्टमार्टम हाउस में रखा हुआ है और वहाँ से जो है वो शव को ले लें। परिजनों का दावा है कि मंगेश यादव को घर से ही लेकर के गई है पुलिस, पूछताछ के बहाने लेकर के गई थी पुलिस, और उसके बाद मंगेश यादव का इनकाउंटर कर दिया गया। आज उसी के संदर्भ में यहाँ पर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन था, वो आया हुआ था, उन्होंने आश्वासन दिया है, बातचीत की है, और जो डेलीगेशन था उसकी ये मांग है कि ये पुलिस के अलावा किसी अन्य विभाग से, CBI विभाग से इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। आदित्य भारद्वाज, UP तक, जौनपुर।